आपका नाम जानना चाहेंगे और बॉलीवुड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप माय दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम वैसे तो ओवी त्यागी है, मतलब जिस नाम से मुझे लोग जानते हैं, बट मेरा रियल नेम आंचल त्यागी है। एंड जर्नी मेरी दिल्ली से स्टार्ट होकर अब मुंबई में अटकी हुई है। ये आपने भी कंफ्यूज कर दिया, मेरा रियल नेम ओवी त्यागी, कहाँ से पढ़ा ओवी, कुछ बड़ा यूनिक ओवी। ओवी एक सीरियल आता था, मैं उस सीरियल में एक लड़की मतलब मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने वही नाम अपना रख लिया। तो वहीं से आपको इंटरेस्ट जगा गया कि मेरे को बॉलीवुड में जाना है, सीरियल फिल्में करनी है। एक्चुअली सबका कहना है कि मैं बहुत प्रिटी हूँ, सो मैं फेसबुक पे अपडेट करती थी तो लोग बोलते थे एक्ट्रेस पे ट्राई करो, एक्टिंग करो, ये करो, करो, तो फिर मैंने बस जिद करके एडमिशन ले लिया। बेसिकली आपने जैसे बताया हमें कि आप गाजियाबाद की हैं, तो कितना मतलब वहाँ का मेंटलिटी अलग होता है, यहाँ का पेरेंट्स ने कैसे परमिशन दिया आपको ये? नहीं, मेंटेलिटी तो वहाँ की बहुत 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 ही ज़्यादा लो है, बट मेरी फैमिली की अब नहीं रही है। एंड बहुत मुश्किल से माने मेरे डैड, तो इवन अब 1 ईयर बाद माने इन सब चीज़ों को। मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया नोएडा फिल्म सिटी। तो बस आपने भी बताया कि आपको फेसबुक पे लोग बोलते थे आप बहुत प्रीटी हो, बहुत खूबसूरत हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए, तो आपने फेसबुक के फ्रेंड्स के जरिए आपने ट्राई किया या आपकी हॉबी थी? मेरी मैंने फेसबुक के फ्रेंड्स के कहने पर ट्राई किया, सच बात तो ये है, बट फिर उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी बना लिया। मतलब आपको बचपन का कोई शौक नहीं? नहीं, बचपन का कोई शौक नहीं था, मुझे लॉ करनी थी, एडवोकेट बनना था। एंड मैं फर्स्ट ईयर लॉ करके मैंने छोड़ दी, बिकॉज माई ब्रदर इज एडवोकेट, सो वो लोग चाहते थे मैं लॉ करूँ। तो स्टार्ट कहाँ से, मतलब आपने कहा कि मेरे को अब टेक करना चाहिए, मतलब स्टार्ट करना चाहिए, तो कहाँ से माइंड कहाँ से बना और कितना टाइम हो गया? मुझे 1.5 ऑलमोस्ट होने वाला, आई मीन 2 ईयर्स होने वाले इस इंडस्ट्री में। एंड फेसबुक के थ्रू ही मेरा माइंड बना, देन फिर मैंने क्लासेस ली, खुद को चेंज किया, बिकॉज जब मैं गाजियाबाद में थी तो मेरी पिक्चर्स मैं आपको कभी शो कराऊंगी, तो थोड़ा अलग था। फिर मैंने एडमिशन लिया नोएडा में, देन वहाँ फिर मुझे कॉन्टैक्ट्स मिले, तब मैं मुंबई आई। तो फैमिली की परमिशन से आई थी या लड़ झगड़ के आई? लड़ झगड़ के आई थी डैड से, ब्रदर की परमिशन से आई थी। Okay. मतलब भाई का फैमिली और भाई का पूरा सपोर्ट था? हाँ, कजन ब्रदर का सपोर्ट था। एक्चुअली आई डोंट हैव मॉम, सो डैड सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंड ब्रदर ने सपोर्ट किया, तो डैड से थोड़ा सा झगड़ा किया, बट मैं अकेली लड़की हूँ तो मान गए सब। तो इसका फायदा उठाया आपने? अकेली लड़की होने का फायदा उठाया मैंने। कहीं ना कहीं प्यार तो वो अंदर से करते ही होंगे, बहुत करते हैं, बहुत अभी पूरा सपोर्ट करते हैं, अभी फुल सपोर्ट है। आपके जो गाने वाने आए उसको देख के देखा, खुश भी हुए, सबको दिखाई भी, अच्छा तो काफी खुश है। अभी आपने बताया कि लॉ वगैरह करने का था कुछ, आजकल कुछ कानून का बहुत पछड़ा चल रहा है बॉलीवुड में, नहीं तो वो एक मी टू का बहुत दौर चल रहा है, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? आप यहाँ पे लड़कों को गलत कहना चाहेंगी या लड़कियों को, मतलब दोनों तरफ से कुछ आपका क्या? नहीं, इंडस्ट्री का सबको पता है कैसी है, तो मी टू का मेरे हिसाब से तो कोई केस डालना किसी पर नहीं बनता है इसमें, ना ही मतलब इसमें लड़कों की भी गलती है लड़कियों की भी, क्योंकि लड़के भी डाल रहे हैं मी टू एंड गर्ल्स भी डाल रही हैं। जब पहले भी तो थी ये सब चीजें, पहले आप बोल सकते थे, तब आपने हिम्मत नहीं की, एंड अब आप हिम्मत कर रहे हैं अगर आपको मी टू का सपोर्ट मिला, बट इट इज रॉन्ग, मतलब मेरी साइड से तो ये रॉन्ग है, बाकी मुझे पता नहीं। मतलब आप राखी सावंत जी का सपोर्ट कर रही हैं? मैं राखी को, हाँ इसमें मैं राखी को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि शी इज राइट कि पहले भी तो ये सब चीजें थी, तब क्यों नहीं किया, अभी हाथ से नहीं बचती, एक हाथ से नहीं बचती ऑब्वियसली। तो अभी आपकी निजी जिंदगी में अभी क्या प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, कुछ अगर शो करेंगी आप हमसे कुछ? अगर मैं अभी शो की ही बात चल रही है और एक मूवी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो शूट स्टार्ट होने वाला है, इवन अमिताभ जी की मूवी है वो, तो उसका शूट स्टार्ट होने वाला, देखते हैं बट कब होगा। और इसके अलावा? इसके अलावा टीवी सीरियल्स चल रहे हैं एंड एक दो एड वगैरह सब। तो इसमें फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगी, उनका आज की डेट में बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको? थैंक यू सो मच उनको, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, किसी से मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, मुझे दुआ चाहिए सबकी।
जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को जो आपके फैंस भी अब काफी मेरे फैंस को लव यू सो मच एंड प्लीज मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहे एंड अगर मेरी तरफ से कभी इन फ्यूचर कोई गलती हो तो उसके लिए एडवांस से सॉरी एंड थैंक यू सो मच.